व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में फैसले लेता है, निर्णय करता है, और फिर उन फैसलों की, उन निर्णयों की, उन डिसीजंस की जिम्मेदारी भी हंसते हंसते एक्सेप्ट करता है। बहुत सारी चीजें जब हमें प्राप्त करनी होती हैं, ये नहीं भी प्राप्त करनी होती हैं, जीवन के पथ पर चलना भर होता है, तब बहुत सारे इम्तहान से गुजरना होता है, बहुत सारी परीक्षाएं प्रतिपल आपको एग्जामिन कर रही होती हैं, और उन सभी परीक्षाओं में आपको डिस्टिंक्शंस के साथ उत्तीर्ण होना होता है। सभी में 99 नंबर लाने पड़ेंगे, कोई एक नंबर भी कम आएगा तो बात नहीं बनने वाली है। और कई बार ये पता होते हुए भी कि 99 नंबर आने के बाद भी आपको कुछ बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो जाने वाला है, तब भी उसी मनोयोग से, उसी उर्वरा के साथ, उसी उत्साह, उसी वेग और उसी प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ आपको वो परीक्षा देनी पड़ती है। ये पता होते हुए भी इसका कोई उपादेयता नहीं है, इसका कोई लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत बार लोग बहुत सी चीज़ों में, कई बार ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम बिल्कुल फूलों की सेज पर बैठे हैं, हम फूलों की सेज पर ही हैं, क्योंकि वो हमारी एक अवस्था है, हमने माइंड सेटअप अपना कर लिया है, हम मनस्थिति हमारी वैसी ही है, हमें ना किसी बात से कोई दुख होता है, ना ही किसी बात से कोई सुख होता है, ना हमें किसी बात का कोई घाटा है, और ना ही हमारी कोई लॉटरी निकल गई है, ना ही हमने किसी को 10 रुपये कर्जे पर दिए हुए हैं, और ना ही 1 रुपया किसी भी व्यक्ति का हमारे ऊपर कर्जा है, ना हमें किसी से कुछ लेना है, ना हमें किसी को कुछ देना है। इस दुनिया में सारे ही हमारे मित्र हैं और सारे ही हमारे शत्रु हैं, और इस दुनिया में ना ही हमारा कोई मित्र है और ना ही हमारा कोई शत्रु है, हम किसी चीज से प्रतिसंवेदित होते ही नहीं है। तो हमें अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में एकदम से परेशान और हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम भी यहाँ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच, और ये स्वीकार करते हुए कि विपरीत परिस्थितियाँ आगामी 10 वर्षों तक यथा स्थिति में ही रह जाने वाली हैं, फिर हम प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के सारे पुरुषार्थ करते हैं। भगवान श्री राम, आज रामनवमी का दिन है, भगवान श्री राम का जीवन हमें इसी बात की तो प्रेरणा देता है कि आप किसी से प्रणाम करें तो राम राम, कहीं कोई सदमार घाटा पहुंच जाए तो हे राम, कहीं किसी का अभिवादन हो तो वहां जय श्री राम, कहीं आपके विजय की ध्वजा पताका फहरा जाए तो जय श्री राम, कहीं कोई ऐसा पाप हो जाए तो वहां आप कहेंगे राम राम, तो भोजन का टुकड़ा आप कोर तोड़ेंगे तो बोलेंगे राम, तो और आप जब पूरा जीवन जिए, बच्चे ने घर में जन्म लिया तो सूचना देने जाएंगे तो वहाँ कहेंगे राम जी की बड़ी कृपा है, घर में हमारे लक्ष्मी आई हैं, या घर में हमारे जो हैं ये शिशु ने जन्म लिया है। जब जीवन के सारे पुरुषार्थ संतुष्ट करने के बाद अब अंतिम यात्रा पर जाएंगे तब भी कहेंगे राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, यानी गति राम के नाम से ही होनी है, सत्य के नाम से ही होनी है। तो ये अवस्थाएं राम के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में जितने भी संघर्ष हो सकते हैं, जितनी परेशानियां, जितने अभाव, जितनी चिंताएं, जितने संकट, जितने संघर्ष, जितनी विपत्तियां, जितनी विपदाएं, जितने आघात, जितने सदमे, जितने घाटे, जितनी दिक्कतें हो सकती हैं, वो सब श्री राम जी के जीवन में हुई। लेकिन उन्होंने सभी जगह मर्यादित रहते हुए, धर्म का अनुपालन करते हुए, धर्म का अंग संग साथ रखते हुए, परमात्मिक ऊर्जाओं को अंग संग रखते हुए एक ऐसे वैशिष्ट व्यक्तित्व को उपलब्ध किया जिससे मर्यादा पुरुषों में उत्तम कहलाए, यानी पुरुषों में रहते हुए उत्तम, और फिर अवतार की श्रेणी उनको प्राप्त हुई। सब काम किए, कोई मर्यादा से पृथक होकर के नहीं, एक मर्यादा में रहते हुए भी, खराब से खराब परिस्थितियों में भी उन्होंने श्रेष्ठतम कार्य किया और स्वावलंबी रहे। उनका ही सगा भाई, छोटा भाई, बहुत छोटी सी दूरी पर ही एक देश के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राजपाट चला रहा है, लेकिन अगर कहीं किसी विपत्ति में, परेशानी में अपनी भार्या के हरण होने के बाद दूसरे देश के राजा पर चढ़ाई करनी है तो उन परिस्थितियों में जो भी भालू बंदर, जो भी चीजें मिली, जो भी सिचुएशंस हुई, उन सिचुएशंस के साथ उस विपत्ति का सामना किया, उस संघर्ष में शरीक हुए। ये डर के घबरा के चिट्ठी नहीं लिखी भाई को कि थोड़ी सेना भेज दो, वहां से तो हजारों आदमी आ जाता, 50,000 लाखों आदमी पहुंच जाता लंका पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके राजा के सम्मान का प्रश्न था। लेकिन किसी से कोई मदद भी नहीं मांगी, मदद उनसे मांगी जो उपलब्ध है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जीवन में साथ संग है उसी में गुजारा भी करना है, और सारी नीति, सारी मर्यादा, सारी चीजों का ख्याल भी रखना है। बस यही हमारा जीवन का एक रस्सी पर चलने जैसा, जैसा नट चलता ना रस्सी पर, ये जो जीवन है ये हमारा पूरा का पूरा एक अभ्यास है, संतुलन है। हम स्वयं जो है ये हमारा पुरुषार्थ है, और जो रस्सी है ये दुनिया है,
और चुनौतियां हैं। तो ये रस्सी पर हिलना भी है, ऊपर नीचे भी होना है, संतुलन भी बनाना है और नट की तरह इस पार से उस पार भी उतर जाना है। अगर ये चीज़ हम समझ में ले लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रलाप, बहुत सारे विलाप, बहुत सारे दुख, बहुत सारे संताप स्वतः ही निर्मूल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव